12 बजे तक कितना हो जाता है? हो जाता है 1600 रुपये का रिकॉर्ड है। 1600 अरे भाई तो यार वाकई सही कह रहे हो। हमारे पास में 65 रुपए का ऑर्डर आ रहा है और 70 रुपए कस्टमर टिप पे कब लोगों से ना 2.27 KM 92.18 दियो भाई। लो भाई हमारे पास में आ गया 80 रुपए का और प्लस 16 रुपए, तो इसकी पिकअप लोकेशन तो पास से है, ड्रॉप लोकेशन है 9.74 KM। ये देखो 1216 की अर्निंग हो गई हमारी, 18 ऑर्डर भाई कंप्लीट कर दिए हैं। हो रहा है रेडी, ऑर्डर रेडी है, रेडी 54:39। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी भाई टाइम हो रहा है 8:42। आज है भाई संडे, आज हम जोमेटो में भाई 17-18 घंटे काम करने वाले हैं, 9 बजे से रात के 1 बजे तक। और संडे के लिए सबसे ज्यादा हाई ऑर्डर रहते हैं, तो कम से कम 2000 का भाई काम हो जाना चाहिए 17-18 घंटे में। तो देखते हैं भाई कितने का होता है आपके सामने, हम गिग बुक करते हैं, तो गिग बुक कर देते हैं। अभी मैंने गिग बुक नहीं की है भाई, संडे और 10 तारीख आज यहाँ पे हम टाइप करते हैं और 9 बजे से बुक कर देते हैं। देखो भाई 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 11, 11 से 12। और ये देखो भाई कंटिन्यू काम करेंगे हम, ब्रेक कहीं भी नहीं ले रहे भाई। ये देखो भाई कंटिन्यू बुक किए हमने, तो ये कितने घंटे हो गया भाई, ये हो गया हमारा 15 घंटे। फुल डे का इंसेंटिव ये है भाई, देख सकते हो 250 रुपये मिलेंगे हमारे लिए, 8 की कंप्लीट करना है, 19 ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो आज गिनती नहीं है ऑर्डर की, तो कितने कंप्लीट करेंगे, 2000 का लगभग काम करेंगे भाई। जितनी गिग भाई हमने बुक की है वो कंटिन्यू की है। और भाई खाना फाना आप देख लेना कैसे खाएंगे, वो तो हम कहीं पर अगर देखो होटल फोटल पर खाना खाएंगे, आज रूम पर नहीं आएंगे, क्योंकि आज का एक हिसाब से चैलेंज ही समझो भाई, कम से कम 2000 का मुझे काम करना है आज। कंट्रोल भाई करना ही है। और दिव्यांशी देखो भाई इधर बैठी है, जी बैठी है कुर्सी पर, शोर मचा रही थी ना बार बार। चाय पी लेते हैं, अभी चाय भी नहीं पी है हम, 7:30 बजे उठे थे, तो मैंने सोचा आज की वीडियो बनाएंगे, बहुत ही मतलब हार्ड वर्क करेंगे। कल हमने छुट्टी की थी, कल वीडियो नहीं बनाई थी, कल मैंने काम ही नहीं किया था किसी में। देखो भाई 9 बज चुके हैं, 1 मिनट केवल कम है, हम अपनी आईडी ऑन कर देते हैं यहाँ से। देखो भाई ऑनलाइन हो जा, देखो भाई कुछ भी नहीं भाई, सेल्फी बाद के लिए मांगेगा और बैक टी शर्ट की वो हम दे देंगे भाई, क्योंकि पैंट के तो वैसे भी जा रहे हैं। पहला ऑर्डर हमारे पास में आ गया 80 रुपए का और प्लस 16 रुपए, तो इसकी पिकअप लोकेशन तो पास से है, ड्रॉप लोकेशन है 9.74 KM। कर लेते हैं भाई इसको एक्सेप्ट और चलते हैं भाई, पहला ऑर्डर ही बड़ा आ गया भाई, देखो 9:01 पे अभी आईडी ऑन की है, तुरंत ही ऑर्डर आ गया। चलते हैं भाई इसको पिकअप करने के लिए। चलो भाई हम आ गए भाई लोकेशन पे, और अभी हमने भाई रीच किया था, तो ऑर्डर रेडी है ये देखो भाई, क्योंकि और बैग वगैरह कुछ भी साफ नहीं किया है मैंने, क्योंकि भाई हमने जैसे आईडी ऑन की थी तुरंत ही ऑर्डर आ गया था हमारे पास में। तो चलते हैं पहले ऑर्डर लेके आते हैं, फिर ऑर्डर देने के बाद में फिर हम भाई अपनी बाइक वगैरह साफ करेंगे और ये ऑर्डर कंप्लीट कर दे। शॉप नंबर 4, 54:39 थी भैया। हो रहा है रेडी, ऑर्डर रेडी है, रेडी 54:39। देखो भैया तो ऑर्डर तो भाई पिकअप कर लिया है, 2 पैकेट है छोटे छोटे, चलते हैं। तो इसमें कहाँ देना है, सेक्टर 27 में देना है भाई। ये हमारी बाइक खड़ी है तो बहुत ही गंदी है भाई, क्योंकि हमने साफ ही नहीं की थी, तो इसमें हम रख ले रहे हैं पहले ऑर्डर। अब इसको ऑर्डर को पहले कंप्लीट करते हैं चल के, उसके बाद हम कुछ ना कुछ देखेंगे भाई, बाइक सफ़ा करेंगे सही करके, बहुत ही गंदी है भाई। तब भी ऐसे छोटा मोटा हाथ मार लिया है मैंने ऐसे करके, जहाँ बैठेंगे वहाँ तो साफ कर लेते हैं। और देखो भाई सुमित राइडर ब्लॉक्स, ये भी बहुत गंदा हो गया है जो। और ये भाई चार्जिंग वाला हमने लगवा लिया था, शॉर्ट वीडियो में बता दिया था, जिन लोगों ने देख लिए वो ठीक है, नहीं देखिए तो बता दिया फिर। और ये बहुत ही ज़रूरी है, अब चलते हैं लोकेशन किधर से देता है देख लेते हैं भाई। अब मौसम देखो भाई, आज का मौसम कितना प्यारा मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है भाई, देख रहे हो भाई धूप बहुत ही मस्त है, आज मौसम मस्त होने लगे भाई, और बादल भी बिल्कुल नहीं है, देखो भाई बिल्कुल मस्त मौसम है। तो यहाँ से दिखा रहा है लोकेशन 9.9 KM, 10 किलोमीटर की मानो। और हमारी बाइक भाई आप चेक कर लो और लास्ट में आपको दिखा देंगे हम, 77:31 ध्यान रखना मैंने, और इसमें फ़ोटो भी ले लेते हैं एक, जिससे मुझे ध्यान रहे 77:31। अबे जल्दी बोल, सीधे
फिर ये गोल चक्कर, यहाँ से फिर सीधे। अब लोकेशन बंद कर लेते हैं और पेट्रोल कितना है भाई चेक कर लेते हैं। पेट्रोल है अभी भाई, आधा पेट्रोल है अभी समझ लो। मैं भाई आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूँ और शॉर्ट वीडियो में आपको बता नहीं पाता। जोमेटो में एक बहुत ही बड़ा इशू आ रहा है, और कौन सा इशू है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑर्डर जो मैं लेके जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ 10 किलोमीटर का। अब इसमें आप देखना, रिटर्न देता तो है पर दिखाता नहीं है। पहले ये होता था कि ऑर्डर हम देने जाते थे तो उसमें तुरंत ही रिटर्न दिखाता था कि आपको 16 रुपये मिलेंगे रिटर्न पे या 8 रुपये रिटर्न पे मिलेंगे। पर इसमें भाई एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से मैं यही चेक कर रहा हूँ कि रिटर्न नहीं दिखाता है भाई। आप भी भाई चेक करना, और फिलहाल अभी जो आईडी अपनी चला रहे हैं लोग, वो लोग भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी आईडी में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारी आईडी में तो भाई हो रहा है। मैं जब देखो आपके सामने ही मैं जा रहा हूँ अभी, और इसका रिटर्न नहीं दिखाएगा कितना मिलेगा हमारे लिए। पर रिटर्न हम 5 मिनट वेट करेंगे वहीं पर, तो उसके बाद में अगर हम चेक करेंगे तो मिल जाएगा, पर दिखाता नहीं है कितना मिलेगा। तो उसमें दिखाता नहीं है हमारे लिए कि 11,000 रुपये रिटर्न मिला है या नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आ चुकी है, और फिलहाल कब ठीक होगी इसका तो मुझे कुछ पता नहीं है। आप लोगों को भाई एक बात हम और बता देते हैं, आपको रेगुलर एक वीडियो मिलेगी या शॉर्ट मिले या लॉन्ग मिले। मैंने ये टारगेट रखा है अपने चैनल का कि आपको एक वीडियो दी जाएगी, या तो शॉर्ट दे हम या फिर लॉन्ग दे, क्योंकि फील्ड में काम भी करना होता है, और जो भी बंदा काम करेगा वीडियो बनाएगा तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल दोनों काम हो जाते हैं। कोई भी भाई बंदा ले लो, और जितने भी ब्लॉगर हैं या कोई भी ले लो भाई, जो बंदा फील्ड में काम कर रहा है आप लोगों को काम करके और वीडियो दिखा रहा है, तो वो रेगुलर आपको वीडियो नहीं दे सकता। पर मैंने टारगेट ये रखा है कि आपको एक वीडियो रेगुलर हम देंगे, या शॉर्ट मिले या फिर लॉन्ग मिले। और इसका कुछ मतलब नहीं है कि हम आपको ऐसे वीडियो दें कि मान लिया कि हम जा रहे हैं अपने फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं 5-6 दिन से, और आपको वीडियो भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अगर फील्ड में काम नहीं कर रहा हूँ फिर भी वीडियो दूंगा, मिनी ब्लॉग बना के दूंगा। अगर घर पे हूँ तब भी मिनी ब्लॉग बना के दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 5-6 दिन की छुट्टी पर हूँ तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी। तो रेगुलर वीडियो एक आएगी, या शॉर्ट आए या लॉन्ग आए। अब चलते हैं भाई जल्दी बल्दी, इस ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं, फिर अपनी हम बाइक साफ करेंगे। देखो भाई कितने रुपए मिलते हैं इसमें, तो यहाँ से ऑर्डर डिलीवर करते हैं इसको भाई। अब देखते हैं कितने रुपए मिलते हैं। देखो भाई मैंने आपसे कहा था ना रिटर्न नहीं दिखाता है, ये देखो भाई रिटर्न नहीं दिखा रहा है इसमें, दिखा रहा है कहीं? अब देखना 5 मिनट बाद अपने आप ही इसमें जुड़ जाएगा, पर दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं, अब देखते हैं ऑर्डर आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको रिटर्न दिखाएंगे। इसमें पे आउट पर जाते हैं, पे आउट पर जाने के बाद में ये देखो 92 रुपये मिले हैं। इसमें सर्च भी मिला है हमारे लिए, कितने रुपए भाई? 13 रुपए सर्च मिला है। देखो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि रिटर्न दिखा नहीं रहा है, पर 5 मिनट बाद मिल रहा है। ये देखो भाई हमारे लिए 5 मिनट बाद 6 रुपए मिल चुके हैं, पर रिटर्न दिखा नहीं रहा है। तो इसमें ये इशू कुछ ना कुछ आ रहा है, ये नहीं पता मुझे क्या आ रहा है इसमें आ रहा है, पर मिल रहा है, ये नहीं कि नहीं दे रहा है जोमेटो। जोमेटो भाई रिटर्न तो दे रहा है, देखो 10 किलोमीटर के कितने रुपये दिए हैं रिटर्न, 6 रुपये। तो यहाँ से ओके कर देते हैं। अब कितने का ऑर्डर हो गया ये देख लेते हैं। अब ऑर्डर भाई हमारा हो गया 98 का 98 रुपये का ऑर्डर हो गया, ये देखो भाई, क्योंकि 10 किलोमीटर का ऑर्डर लेके आए थे और 98 रुपये में लिए, 10 रुपये किलोमीटर दे रहा है जोमेटो भाई सुबह के टाइम पे। देखो भाई हमारे पास में 90 रुपये का ऑर्डर आया है, पिकअप लोकेशन 1.55 km और 18 रुपये सर्च है इसमें, और ड्रॉप लोकेशन है 11.24 km। तो इसको भाई हम एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई। दूसरा ऑर्डर भी हमारे पास में बहुत बड़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया हमारे लिए। तो अब चलते हैं हम पिकअप लोकेशन पे भाई, और होली का टाइम आ रहा है भाई, मुझे धुआंधार काम करना है, जोमेटो धुआंधार काम करा रहा है, तो अब करेंगे बहुत ही मेहनत, धुआंधार काम करेंगे अब तो भाई, मज़ा आ रहा है बहुत ही। काम करते हुए भी आ रहा है और जोमेटो ऑर्डर भी ठीक दे रहा है। यह ऑर्डर भाई हमने पिकअप कर लिया है राधे श्याम रेस्टोरेंट से, और इसमें हमने रख लिया है, सेक्टर 18 से पिकअप किया है। और ये देना कहाँ है वो आपको दिखा देते हैं, ये देखो भाई यहाँ से 14 किलोमीटर भाई, देखो भाई 14 किलोमीटर दिखा रहा है। अब देखते हैं भाई इसमें कितने रुपए मिलते हैं 14 किलोमीटर के। इधर से कितने दिखा रहा है? इधर से 11 दिखा रहा है, ये गलत दिखा रहा था इधर से, तो मैंने इधर से नहीं इधर से टच कर लिया, ठीक है भाई। और भाई जहाँ से हम ऑर्डर लेके आए थे ना उसी लोकेशन पे ही समझ लो भाई वापस पहुँचा दिया। तो बहुत ही मस्त ऑर्डर आ रहे हैं आज जोमेटो में भाई, किसी दिन तो मौज कर देता है किसी दिन तो रुवा देता है भाई, तो यही होता है जोमेटो में, किसी दिन हंसोगे किसी दिन रोओगे। अंदर पास से जाना है मुझे इधर से।
अगर भाई रात के 12-1 बजे तक इस तरीके से ऑर्डर आएंगे हमारे पास में ना, तो भाई 2000 का टारगेट तो हो जाएगा हमारा पूरा। ऑर्डर लेके आ गए भाई हम लिफ्ट में, और मुझे जाना है भाई 8 फ्लोर पे। और देखो भाई लिफ्ट पहुंच चुकी है भाई 8 पर, अब खुलती है भाई, खुल जा सिम। ऑर्डर तो भाई दे दिया है और इस ऑर्डर को यहाँ से हम डिलीवर कर देते हैं। ये देखो भाई, देखते हैं कितने रुपए मिलते हैं। तो ये देखो लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे आती होगी, मैंने बटन दाब दिया है। इसमें हमारे लिए भाई 110 रुपये मिले हैं सर्च लगा के। अब देखते हैं रिटर्न कितना मिलता है। अब रिटर्न मिलेगा 5 मिनट बाद। कितना टाइम हो गया, 10:19। लल्लाई 5 मिनट कंप्लीट होने से पहले हमारे पास में ऑर्डर आ गया। ये देखो भाई 23 रुपये का, और इसकी पिकअप लोकेशन है 2.18 km, ड्रॉप लोकेशन है 1.54 km, और मिठास से ऑर्डर आया है। तो चलते हैं भाई इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेक्टर कितना है, सेक्टर 76 है। चलते हैं भाई, इसको भी छोटा सा ऑर्डर है पिकअप कर लेते हैं। और भाई हमारा ये 3रा ऑर्डर है, 2 कंप्लीट हो चुके हैं और 2 ऑर्डर में 209 का काम हो गया। किसम भाई 6 मिनट वेटिंग टाइम दे रहा है। हम आ गए भाई रेस्टोरेंट पे, और ये है रेस्टोरेंट, देखो भाई। ऑर्डर तो भाई पिकअप कर लिया है, इसमें 2 छोले भटूरे हैं। चलते हैं भाई सेक्टर 73 में देना है ये। ये भी ऑर्डर भाई हमने डिलीवर कर दिया है, इसमें भाई 22 रुपए मिले हैं, 23 रुपए का ऑर्डर आया था। हमारे पास में 86 रुपए का ऑर्डर आ रहा है। इसकी पिकअप लोकेशन तो 00 है और ड्रॉप लोकेशन है 10.74 km। इसको भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं। 4 मिनट वेटिंग टाइम दे रहा है भाई, और ऑर्डर मुझे यहाँ से पिकअप करना। भाई थोड़ा बहुत लीकेज होने से ये कागज़ गल गया है, और देखते हैं कस्टमर लेते हैं नहीं लेते हैं। कस्टमर को भाई ऑर्डर दे दिया है और इसको हम डिलीवर कर देते हैं। कितने रुपए मिलते हैं भाई इसमें। और मैंने कस्टमर से कह दिया था कोई आइटम लीकेज हो गया है थोड़ा, जिसके वजह से कागज़ गल गया है। और इसमें हमारे लिए भाई 78 रुपए मिले हैं। यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं, और रिटर्न पे पता नहीं कितना मिलेगा भाई, वो मिलेगा 5 मिनट बाद। तो देखते हैं 5 मिनट बाद। लिफ्ट भी आ गई है भाई। दोस्तों हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारे लिए भाई रिटर्न मिल चुका है। ये देखो भाई 78 रुपये का ऑर्डर था, 13 रुपये हमारे लिए रिटर्न पे मिले हैं, और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब करते हैं भाई नेक्स्ट ऑर्डर का इंतज़ार। और इसमें भाई एक ऑर्डर कैंसिल भी हो गया था, जहाँ से मैंने ये ऑर्डर पिकअप किया था वहाँ पर ही एक ऑर्डर हमारे पास में 23 रुपये का आया था, 23 रुपये का ऑर्डर आया था। तो मैंने रीच करने के बाद में कॉल छोटू पे गया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये आइटम नहीं है। तो मैंने सपोर्ट वालों से बात की थी, और सपोर्ट वालों से बात करने के बाद में ये ऑर्डर मैंने कैंसिल करा दिया, मतलब अपने इस पे से हटा दिया। मैम से कहा था कैंसिल कर दो, तो मैम कह रही थी इसको कैंसिल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कि आपकी जो आईडी पे शो कर रहा है उसको हटा दिया गया है, इसको कैंसिल नहीं बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है मैम, यहाँ पे इनकम्प्लीट लिख के आ रहा है, आइटम नहीं था भाई रेस्टोरेंट पे। इस वजह से मैं हूँ भाई गौर सिटी की साइड, और दिखा देते हैं आपको। ये देखो भाई गौर सिटी सेंटर, ये सामने देख रहे हो ना, ये गौर सिटी सेंटर है, और हम गए थे गौर सिटी 1 में ऑर्डर देने के लिए। आपको दिखा दिया, अब चलते हैं भाई। और यहाँ तो ऑर्डर आएगा नहीं, क्योंकि हमारे लिए 13 रुपये रिटर्न पे मिल चुके हैं। अब चलते हैं अपनी लोकेशन पे, भाई ऑर्डर बजेगा, धुआंधार ऑर्डर बज रहे हैं भाई मुझे। और मैं भाई आज जल्दी कर रहा हूँ, जितनी हो सके ना उतनी जल्दी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा यार 2000 का आज काम हो जाए, क्योंकि 2-3 छुट्टी हो चुकी है इस हफ्ते में, और इस वजह से मैं सोच रहा हूँ आज मैं धुआंधार काम कर रहा हूँ भाई, कि मेरा जल्दी जल्दी टारगेट हो और मैं जल लोकेशन पे भाई ऑर्डर कितने भी बड़े बजाए मैं पहुंचूंगा लोकेशन पे। या तो 5-6 मिनट के 10 मिनट के अंदर अंदर ऑर्डर हमारे पास में आ जाए। अगर हमारे पास में ऑर्डर नहीं आता है ना, तो भाई मैं लोकेशन पे पहुंचूंगा। मुझे भाई ऑर्डर चाहिए कहीं हो, क्योंकि मुझे अपना टारगेट करना है। तुमसे ना हो पाएगा। हमारे पास में 65 रुपये का ऑर्डर आ रहा है, और 70 रुपये कस्टमर टिप। पिकअप लोकेशन है 2.87 km, ड्रॉप लोकेशन है 6.87 km। एक्सेप्ट भाई हमने कर लिया है, और 70 रुपये कस्टमर टिप आ गई भाई, मौज आ गई। मेरे पास में 86 रुपये का ऑर्डर आ रहा है, इसकी पिकअप लोकेशन 1.57 km, ड्रॉप लोकेशन 9.21 km। इसको भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हमारे लिफ्ट में भाई, और 0 दाब देते हैं भाई। अब चलते हैं भाई नीचे की साइड। फिलहाल भाई काफ़ी रात हो चुकी है, और ये ऑर्डर हम रीच कर देते हैं, जो मैंने आपको दिखाया ये लोकेशन पे आ चुके हैं। और ये ऑर्डर भाई रेडी भी है, और मुझे इस मार्केट में से भाई पिकअप करना है। ये सामने देख रहे हो भाई मार्केट, इसमें से मुझे पिकअप करना है ये ऑर्डर। और अब तक भाई टोटल कितने का काम हुआ है वो आपको दिखा देते हैं हम। और टाइम देखो भाई कितना हो गया, 9:41, और भाई अर्निंग दिखा देते हैं कितनी हुई है हमारी। भाई आ जा छुम छुम, देखो भाई अर्निंग देख के चौंक जाओगे भाई। ये देखो 1216 की अर्निंग हो गई हमारी, 18 ऑर्डर भाई कंप्लीट कर दिए हैं, और 12:42 हो गए मुझे आईडी ऑन करे हुए। देख रहे हैं भाई कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कंटिन्यू लगातार ऑर्डर दे रहा हूँ, और कितने कितने बड़े ऑर्डर दिए हैं वो दिखा देते हैं। देखो भाई ये अभी मैंने मल्टी ऑर्डर दिया है 58 का,
जो आज का भाई इंसेंटिव है वो अभी लगा नहीं है, इंसेंटिव लगेगा। पहले हम ऑर्डर पिकअप कर लेते हैं, यहाँ पे बाइक खड़ी कर देते हैं और मुझे जाना है भाई थर्ड फ्लोर पे ऑर्डर पिकअप करने। देख रहा भाई कितनी ऊपर जाना पड़ता है, चलते हैं भाई ऑर्डर तो पिकअप करके लाना ही लाना है, तो इसमें देख लेते हैं कुछ है तो नहीं, बंद कर देते हैं। अब चलते हैं भाई थर्ड फ्लोर पे और इससे ऊपर से लाएंगे भाई। देख रहे हो भाई, वाह ये भाई देख लो भाई कंडीशन, देख रहे हो भाई। और अभी क्या घंटा काम करना है, रात के 1 बजे तक करना है, 10 मान लो 10 बज गए, 11 12 3 3.5 घंटे काम करना है अभी। अरे कौन सा रेस्टोरेंट है, चलो भाई अपना तो भाई, चलो भाई पहुंच गए भाई, ये रेस्टोरेंट है भाई। 3 मिनट लेट, 92:18 दियो भाई। लो भाई, लो भाई इसको भी पिकअप कर लिया हमने। कितने करने हैं, 200 करने हैं, 200 स्कैनर दो, स्कैनर ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई को 200 रुपये पे कर दिए थे, वो कह रहे थे हमारी आईडी बंद हो रही है, तो भाई आईडी बंद हो रही है तो ज़रूर भाई हेल्प करेंगे हम। तो काफ़ी सारे लोगों की जो आईडी बंद होती है ना, उन लोगों की भाई हम हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास में है तो दूसरों की हेल्प हो जाती है ना, तो उससे मुझे भी अच्छा लगता है भाई। अब इसमें रख लेते हैं ऑर्डर और चलते हैं। अरे देना कहाँ पर भाई, 86 रुपये का ऑर्डर तो है। सेक्टर 110 में जाना है भाई, लोटस में, तो इसको हम इस तरीके से और पॉकेट पे जाते हैं। पॉकेट पे जाने के बाद में देखो भाई 3,225 रुपये हमारे अकाउंट में है भाई, पॉकेट बैलेंस 3,225। 12 बजे तक, 12 बजे तक कितना हो जाता है, हैं 1600। अरे भाई तो यार वाकई सही कह रहे हो, तो हमारा कम क्यों होता है भाई और लोगों का कम क्यों होता है, इसका कारण बता सकते हो, हैं मालूम नहीं है, हैं हफ्ते में 11,000 कमा तो अच्छा, आईडी तो दिखा दो भाई, हफ्ते में 11,000 देख रहे हो कैसे बेवकूफ बना रहा है लोगों को। ऑर्डर लेके आ गए भाई हम लिफ्ट में और थोड़ा भाई लीकेज हो गया है ऑर्डर, और 70वें फ्लोर में मुझे देना है ऑर्डर, तो भाई दे दिया है और मैंने भाई 0 दाब दिया है, चलते भाई नीचे। इसमें भाई हमारे लिए मिले थे 87 रुपये और रिटर्न पे पता नहीं भाई कितना मिलेगा। और इधर खड़ी है हमारी धन्नो, ऑर्डर डिलीवर करने के बाद में भाई 5 मिनट कम्प्लीट हो नहीं पाए, उससे पहले हमारे पास में ऑर्डर आ गया है भाई 28 रुपये का, और इसकी पिकअप लोकेशन है 2.47 km, ड्रॉप लोकेशन है 1.36 km। ऑर्डर तो भाई पिकअप कर लिया है, ये देखो भाई छोटा सा पैकेट है, ये लोकेशन तो बहुत दिखा रहा है भाई, ये देखियो भाई 4.45 किलोमीटर दिखा रहा है। हम भाई ऑर्डर लेकर आ गए लिफ्ट में, और ये भाई कैश का ऑर्डर है, 500 रुपये मुझे कैश लेना है और 25वें फ्लोर पे मुझे ऑर्डर देना है। ऑर्डर तो भाई दे दिया है सर से, 500 रुपये ले लिया है हमने, ऑर्डर तो भाई डिलीवर कर दिया है। इसमें हमारे लिए मिले थे भाई 49 रुपये, तो मैंने भाई आपके लिए बताया था ना कि भाई एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा, क्योंकि भाई 23 रुपये का हमारे पास में ऑर्डर आया था और फिर एक्स्ट्रा पे आउट मिला है ये। और किधर से जाना है भाई इसमें, ये कैसे करते हैं, देखो भाई नीचे पार्किंग है, ये सभी देख लो भाई पार्किंग अंदर कितनी खतरनाक पार्किंग है भाई। इसमें जो ब्रेकर लगे हुए हैं ना, ये बहुत बड़े ब्रेकर हैं, इस पर भाई बहुत ही बाइक कितने भी धीरे बाइक हम निकालते हैं फिर भी भाई मोटरसाइकिल बड़ी तेज दाएँ चला दाएँ। बाहर किधर से जाएंगे भाई, बाहर किधर से जाएंगे भाई, खो गए इसमें हम पार्किंग में, खो गए भाई, इधर से देखते हैं ये, हाँ इधर से जाएंगे, देखो भाई मिल गया रास्ता, मिल गया भाई, मैंने सोच गया, मैंने सोचा खो गए भाई हम, खोलो उधर से निकले। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑर्डर नहीं मिले। अभी आ गए हम अपने रूम पर, और भाई रूम पर क्या, हम तो रात ही रूम पे आ गए थे, और भाई अभी उठे हैं हम जस्ट सो के, अभी भाई टाइम हो रहा है 9:24, तो मैं भाई रात वीडियो बनाई नहीं थी, सुबह ही बना रहे हैं वीडियो, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम हो गया था हमारे लिए, क्योंकि भाई 9 बजे से रात के 2 बजे आए थे हम, क्योंकि मल्टी ऑर्डर हमारे लिए दे दिया था, और वीडियो भाई काफ़ी बड़ी हो जाएगी ये, इस वजह से मैंने काफ़ी मतलब पॉइंट छोड़ दिए थे, कुछ वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि वीडियो कम से कम मान के चलो भाई 20-25 मिनट की वीडियो हो जाएगी कंटिन्यू, भाई इतनी देरी काम किया था हमने, काफ़ी देर काम किया था,
तो भाई टोटल हमारी अर्निंग कितनी हुई है स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। तो इसमें भाई हमारे 23 ऑर्डर कंप्लीट हो गए थे और 1526 का काम हुआ था, 23 ऑर्डर कंप्लीट हो गए थे। 15 घंटे दिखा रहा है इसमें, पर 15 घंटे से हमने ज़्यादा लॉगिन अपनी आईडी की थी, हमने लगभग 16 घंटे अपनी आईडी ऑन की थी। तो भाई रात में 4 बजे तक तो ऑर्डर, 3 बजे तक ठीक ठाक ऑर्डर हमारे पास में आए थे, उसके बाद में छोटे छोटे ऑर्डर आ रहे थे और उसके बाद में 7 बजे के बाद में कुछ ऑर्डर बड़े आने लगे। इस तरीके से हमारे पास में सुबह के टाइम पे आउट, मतलब सुबह के टाइम पे हमारी अर्निंग ठीक ठाक हुई थी और रात में 9 बजे के बाद में अर्निंग हमारी ठीक ठाक हुई थी। बीच में भाई बहुत ही कम अर्निंग हुई थी जिसकी वजह से हमारा टारगेट 2000 में कम हो गया भाई, क्योंकि दिक्कत हो गई इतनी। तो इसमें भाई जो सर्च मिला था वो सुबह ही मिल गया था केवल हमारे लिए 32 रुपये, और इसमें 70 रुपये कस्टमर टिप मिल गई थी जो 65 रुपये का ऑर्डर आया था हमारे पास में। और इसमें जो हमारा इंसेंटिव है वो जुड़ गया है भाई 250 रुपये, 250 रुपये इंसेंटिव जुड़ गया है। तो टोटल हमने अर्निंग बता हमारा भाई इसमें पेट्रोल कितना लग गया वो हम आपके लिए बता देते हैं। तो इस पे जाते हैं, इस पे जाने के बाद में मैं बता देता हूँ आपको कितना पेट्रोल लग गया। 1526 का काम हुआ था हमारा और बाइक वाइक देख के आनी थी हमारे लिए कितनी चल गई, पर मैं अंदाज से बता रहा हूँ कि लगभग इतने काम में हमारी कितना पेट्रोल लग गया होगा, लगभग बता रहा हूँ मैं, या ज़्यादा कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है, पर हम इसमें माइनस कर देते हैं 350 रुपये हमारा पेट्रोल लग गया होगा इसमें, लगभग मान के चल रहे हैं हम। तो 350 रुपये हमने घटा दिए भाई इसमें पेट्रोल के, तो हमारे लिए बच गए थे भाई 1176 रुपये, कितने घंटे में, 16 घंटे में। तो अगर देखा जाए तो बहुत ही कम अर्निंग है भाई 16 घंटे कंटिन्यू काम करना। मैं रूम पर भी नहीं आया था, कंटिन्यू भाई फील्ड में ही काम करता रहा और खाना पीना जो भी मैंने खाया है वो नहीं दिखाया है, क्योंकि वो भी दिखाएंगे ना तो भाई वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 1176 का काम हुआ है, 350 रुपये भाई पेट्रोल हमने बता दिया आपको, लगभग लग गया होगा या ज़्यादा हुआ कम होगा, मतलब अंदाजा कर सकते हो। हमारी जो बाइक है वो एवरेज देती है 55 50 इस तरीके से हमारी जो बाइक का एवरेज देती है। डेली काम कर रहा हूँ इस वजह से मुझे पता है कि 1000 रुपये काम पर कितना पेट्रोल लग जाता है। तो डेली का मैं इसलिए मतलब जोड़ के बता देता हूँ, मैं देखता हूँ और मैंने अंदाजा अपना लगा लिया है खुद से कि भाई कितना लग जाता है। तो मैंने भाई आपको बता दिया सब कुछ। देखेंगे गाइस यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर देना, नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, और प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।